My roll number is 6029. The topic of my presentation is the self concept. Basically, self concept है क्या? इसके बारे में first पे हम लोग इसकी history देखेंगे. First of all, इस topic के बारे में देखेंगे कि है क्या self concept. Basically, हमारा जो है हमारी self value आ जाती है, beliefs आ जाती है, abilities आ जाती है और हमारे goal आ जाते हैं. और उसके बाद slide आगे कर दो. उसके बाद हिस्ट्री इसकी आ जाती है. विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की एक बुक थी, उसमें एक उसने चैप्टर लिखा था कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ. यानी उसका ये इनिशिएटिव था सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके. फिर उसके बाद उसने टू टाइप्स ऑफ सेल्फ के बारे में बताया था कि हमारी जो है वो सेल्फ की टू टाइप्स होती हैं. एक होता है सब्जेक्टिव सेंस में जो है सेल्फ होती है लाइक आई, और एक ऑब्जेक्टिव सेंस में होती है लाइक मी. और उसके बाद इसने इस जो साइकोलॉजी की जो बेसिकली रिसर्च थी वो ऑब्जेक्टिव सेंस पे थी. और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट. बेसिकली जो है इसकी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन आ जाती है सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय सॉल मैकलॉड पब्लिश 2008. जो सॉल मैकलॉड ने जो था 2008 में एक बुक पब्लिश की थी और उसमें इसने जो है सेल्फ के बारे में बताया था. बेसिकली सेल्फ है क्या, उसने बताया था कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो है एक जनरल टर्म यूज होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि वो समवन थिंक अबाउट एवेल्यूएट और परसीव्स देमसेल्फ. किस तरह एक जो है पर्सन है या कोई भी इंसान जो है वो अपनी जात के बारे में सोचता है और परसीव करता है. और फिर उसके बाद टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ इज टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ. जब वो अपने बारे में अपनी जात के बारे में अवेयर हो जाता है तो लाइक वो अपने अपने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में अवेयर हो जाता है. नेक्स्ट जो है ब्यूमेटर्स ने जो था वो 1999 में प्रोवाइड द फॉलोइंग सेल्फ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन. उसने सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन दी थी 1999 में कि इंडिविजुअल बिलीव अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इंक्लूडिंग द पर्सन एट्रीब्यूट्स एंड हु एंड व्हाट द सेल्फ इज. उसने बताया था कि एक पर्सन जो है जब अपने आप पे बिलीव करता है या मतलब अपने आप पे अपनी जात पे बिलीव कर लेता है और वो ये जान लेता है कि वो क्या है और कौन है, ठीक है, तो इट मींस कि वो अपने सेल्फ के बारे में जान लेता है. और उसके अलावा ये है द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन इम्पोर्टेंट टर्म फॉर बोथ सोशल एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये जो है टू इम्पोर्टेंट टर्म्स इसने जो है वो सोशल साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो है वो टर्म बेसिकली यूज होती है. फिर नेक्स्ट आ जाता है लिविस ने 1990 में एक सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो था वो टू एस्पेक्ट बताए थे. वो टू जो एस्पेक्ट है वो द एग्जिस्टेंशियल सेल्फ है और नेक्स्ट जो है कैटेगोरियल सेल्फ है. एग्जिस्टेंशियल सेल्फ का मतलब होता है कि आप जो है एक सेपरेट जो है अपनी पहचान रखते हो. आपकी एक सेपरेट जो है वो पहचान है और एक मतलब एक वर्ल्ड में रहते हुए. फिर जिस तरह एक बच्चा जो है वो एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो रियलाइज कर लेता है कि वो एक अलग जो है उसकी एक जो है वो पहचान है, टेरिटरी है. फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू लिविस अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंशियल सेल्फ बीइंग एज यंग एज 2 or 3 months ओल्ड. जब बच्चा जो है वो 2 से 3 माह का जब हो जाता है तो वो अपने वर्ल्ड के साथ रिलेशन जो है बनाना स्टार्ट कर देता है. लाइक जब कोई स्माइल करता है तो इन रिटर्न वो भी स्माइल करता है. तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है. फिर उसके बाद जो आता है कैटेगोरियल सेल्फ है क्या. कैटेगोरियल सेल्फ में बच्चा जो है वो अपनी वर्ल्ड के साथ जो है वो एक रिलेशन बनाता है. उसमें उसकी एक और अवेयरनेस जो है वो है क्रिएट हो जाती है. लाइक वो जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो जान लेता है कि मैं एक वर्ल्ड में मेरी एक अलग एग्जिस्टेंस है. वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ों के साथ. लाइक वो ये जान लेता है कि उसकी हाइट जो है वो बिग है, स्मॉल है, उसकी स्किन रेड है या स्मूथ है, सेम इस तरह की चीज़ें. ठीक है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक वर्ल्ड में रहता हुआ एक अलग ऑब्जेक्ट है. उसको इस चीज़ की पहचान हो जाती है. फिर उसको ये भी वो कैटेगरीज उसमें आ जाती हैं, वो इस चीज़ की भी पहचान कर लेता है कि उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है.
ठीक है, लाइक आई एम 3 ईयर ओल्ड और माई जेंडर इज आई एम अ गर्ल, ठीक है, वो इस चीज की पहचान जो है कैटेगोरियल सेल्फ में कर लेता है. फिर नेक्स्ट उसकी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में वो अपने अपनी जात के बारे में और जो है वो जो है एक्सपीरियंस करता है, लाइक उसके हेयर कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी फेवरेट थिंग क्या है. इसकी ये जो है ये पिक्चर नेक्स्ट नेक्स्ट करना स्लाइड आ गया. ये पिक्चर में बकायदा दिखाया गया है कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं. वो गुड एट मैथ, वो मैथ में बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट में है वो टू टॉल, वो उसकी हाइट ज्यादा है. लाइक उसकी कैटेगरीज बता दी गई हैं कि वो किस तरह जो है उसके अंदर स्किल्स आ रही हैं, किस तरह उसके जो है वो जो है उसकी एबिलिटीज जो है वो चेंज होती जा रही हैं. मैम बस इतना ही नहीं. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा पॉइंट है सेल्फ इमेज का. तो इसने कार रोजर्स ने 1959 बिलीव सेट द सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स. कार रोजर्स ने थ्री कंपोनेंट्स दिए थे जिसमें सबसे पहले उसने कहा था द व्यू यू हैव ऑफ योर सेल्फ, मतलब सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में खुद को कैसे देखते हैं. हम लोग मतलब कि हम लोग खुद को देखते हैं हमारे में बैड हैबिट्स कौन सी हैं और गुड हैबिट्स कौन सी हैं, ये हमें पहचान होती है खुद के बारे में. And second is how much value you place on yourself means self-esteem or self-worth. Self-esteem means हमारे अंदर जो खुद-एतमादी होती है, I can do that, मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है कि हम लोग वो कर सकते हैं, हमें अपने ऊपर इतना एतबार होता है. And third is what you wish you were really like. Ideal self means हमारी कोई भी हम किसी को भी ideal मान लेते हैं अपनी life में. अगर हम अपने बाबा को कहते हैं कि हमारे बाबा के अंदर हमें ये वाली आदत अच्छी लगती है, हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, मतलब वो मेरी आइडियल सेल्फ हो जाएंगे. फिर इसने मैम यही फर्स्ट में दिखाया गया है सेल्फ इमेज का, मतलब हम खुद को कैसे देख रहे हैं, और सेकंड आइडियल सेल्फ एंड थर्ड सेल्फ एस्टीम है इस पिक्चर के अंदर. और नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ इमेज, हाउ यू सी योर सेल्फ, दिस डज नॉट नेसेसरी हैव टू रिफ्लेक्ट रियलिटी. इनडीड अ पर्सन विद एनोरेक्सिया हु इज थिन मे हैव अ सेल्फ इमेज इन विच द पर्सन बिलीव्स दे आर फैट. अ पर्सन सेल्फ इमेज इफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज पैरेंटल इन्फ्लुएंसेस, फ्रेंड्स, मीडिया एक्सेट्रा. एनोरेक्सिया एक्चुअली ये एक बीमारी है जिसमें एक इंसान खुद को कहता है कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मोटा नहीं हो रहा होता है, वो वीक हो रहा होता है और वो खाना पीना छोड़ देता है. इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, लेकिन अगर हमने इससे खुद को क्योर करना हो तो हम लोग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं. कौन 1960 इन्वेस्टिगेटेड द सेल्फ इमेज बाय यूजिंग द 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट. ही आस्क्ड पीपल टू आंसर द क्वेश्चन हु आई एम इन 20 डिफरेंट वे. ही फाउंड दैट द रिस्पॉन्सेज कुड बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप. फर्स्ट इज सोशल रोल्स एंड सेकंड इज पर्सनैलिटी ट्रेट्स. सोशल रोल्स में हम लोग एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ सच एज सन, टीचर, फ्रेंड हम ले लेते हैं. एंड सेकेंड में हम इंटरनल और फैक्टिव एस्पेक्ट्स लेते हैं सच एज ग्रेगेरियस, इम्पेशेंट और ह्यूमरस. ग्रेगेरियस होते हैं, सोशियबल होते हैं पर्सन के लिए, वो कोई भी कंपनी फाउंड करते हैं, कंपेनियनशिप में आ जाता है ये सब. और ह्यूमरस मीन के मजाहिया लोग जो होते हैं वो फन करते हैं, इस तरह के लोग आ जाते हैं ह्यूमरस में. नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ आंसर टू द क्वेश्चन हु आई एम. प्रोबेबली include example of each of the following four types of response. First आता है physical description. I am tall, have blue eyes, etc. Social roles. We are all social beings whose behavior is shaped to some extent by the roles we play. Such roles as student, housewife, or member of the football team not only help others to recognize but also help us to know what is expected of us in various situations. मैम सोशल रोल्स में यही होता है कि हम लोग अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर. लाइक स्टूडेंट हम लोग टीचर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग उनको कैसे रिजल्ट दें. सेकंड इसमें पॉइंट है पर्सनल ट्रेट्स का. दीज आर द थर्ड डायमेंशन ऑफ आवर सेल्फ डिस्क्रिप्शन. आई एम इम्पल्सिव, आई एम जेनरस, आई टेंड टू वरी अ लॉट एटसेट्रा. इम्पल्सिव मीन बेचैन हो जाता हो जाना, मैं बेचैन हूँ. आई एम जेनरस, मैं बहुत जेनरस हूँ. और आई टेंड टू वरी अ लॉट, मैं बहुत परेशान होता हूँ.
मतलब कि परेशान होने का वो दिखावा या इस तरह कुछ. एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट वंस है. दिस कैन रेंज फ्रॉम आई एम चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स टू आई एम ह्यूमन बीइंग टू आई एम स्पिरिचुअल बीइंग. मीन जब हम लोग पैदा होते हैं वहाँ से लेके तो लास्ट टाइम तक आई एम स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं हमारे ये वाला कंसेप्ट. Typically, young people describe themselves more in terms of personal traits, where older people feel defined to a greater extent by their social roles. My topic is self-esteem. Self-esteem is an individual's subjective evaluation of their own worth. मीन्स कि हम अपनी ज़ात को कितनी वैल्यू दे रहे हैं. अगर हम अपनी ज़ात को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो हमारी सेल्फ इस्टीम जो है वो हाई है और पॉजिटिव है. मीन्स आप अपनी एबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट हो. फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है तो वो मतलब अपनी अपने अच्छे प्लेयर होने पर अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट है और मीन्स कि उसकी सेल्फ इस्टीम जो है वो पॉजिटिव है और हाई है. इसमें जो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है दैट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब अपने आप को मानना कि आप एक काबिल इंसान हो. अपनी सेल्फ वर्थ को जो है वो एक्सेप्ट करना, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस देना और अपनी एबिलिटीज को मानना. मीन्स कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. सेल्फ एस्टीम में यही होता है कि अपने आप को वैल्यू देना. इसमें एक पॉइंट है ऑप्टिमिज्म, इसका मतलब होता है उम्मीद. मीन्स आप जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपको उम्मीद होती है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है. आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है और आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट जो है वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा. आप अपने सेल्फ पे बिलीव कर रहे होते हैं, अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है आपको कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. ये डोंट वरी अबाउट वट अदर पीपल थिंक अबाउट यू. नेक्स्ट स्लाइड है लो सेल्फ स्टीम. लो सेल्फ स्टीम जो है ये सेल्फ स्टीम में जो मैंने बताया उसके बिल्कुल अपोजिट है. मीन्स के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और आप दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं कि मतलब दूसरे लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं. अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपको हमेशा यही टेंशन लगी रहती है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है पेसिमिज्म, इसका मतलब होता है नाउमीदी. मीन्स कि आपको वही बात है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब पेपर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन आपका स्टूडेंट जो साथ वाला स्टूडेंट जो है वो MCQs और लगा रहे हैं, आप और लगा रहे हो, आप उसकी तरफ देख के अपना भी गलत कर लेते हो. बेशक आप अपना पहले ठीक कर रहे हो. इसको सेल्फ स्टीम को मेजर करने के डिफरेंट वेज हैं. फर्स्ट वन इज हैरल सेल्फ स्टीम इन्वेंट्री. दिस इज अ क्वेश्चनेयर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर यंग अडल्ट दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एक्सेस देयर सेल्फ स्टीम. The assessment helps individual identify self-esteem related areas they can work towards improving over time. Second one is TAT, means thematic appreciation test. This is a widely used projective test for assessment of children and adults. It is designed for to reveal an individual's perception of interpersonal relationships. And third one is Mort and Jigson. He showed that in a center uncertain and anxiety situation, your self-esteem changes continuously. Means that they showed the self-comparison process present and potential source of instability of self-comparison. Assessment were also made of subject level of self consistency. The major dependent variable was self esteem. पहले मिशी ने बताया कि लो सेल्फ एस्टीम होती क्या है. इसमें पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे. लो सेल्फ एस्टीम में दो चीजें
पहले होता है लो सेल्फ एस्टीम में नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है. लेकिन लो सेल्फ एस्टीम में नेगेटिव साइड होती है कि हम अपने आप को नेगेटिव वे में ले रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास लो कॉन्फिडेंस है, उसके पास ये चीज़ अच्छी है मेरे पास नहीं है, या मैं वैसा बनना चाहती हूँ. उसके बाद आता है कि ये काम करूँगी या ये करूँगी भी नहीं तो बुरा हो जाएगा, ये होता है लो सेल्फ एस्टीम. इसमें साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एक ने ये किया था कि 15 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया था और ये बताया था कि अगर कोई बंदा इसको सॉल्व करे तो उससे पता चलेगा कि वो उसकी सेल्फ एस्टीम क्या है, कि उसकी लो सेल्फ एस्टीम है या नहीं है. एक था कि एक ने कार्टून्स बनाए थे और बताया था कि इसकी स्टोरी बाद में बताओ कि इससे पता चलेगा कि इसकी सेल्फ एस्टीम क्या है. उसके बाद 1970 में ये एक इंटरव्यू था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और इसलिए उन्होंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू था जिसमें बहुत से कैंडिडेट थे, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट्स को चेक करने के लिए उन्होंने हाफ कैंडिडेट्स के साथ एक क्लीन मैन को बैठा दिया था और हाफ जो पीपल्स थे उनके साथ डर्टी मैन को बैठा दिया था. जो डर्टी मैन के साथ बैठे थे वो कॉन्फिडेंट में थे कि ये हमारा इंटरव्यू इससे अच्छा होगा या हम इससे बेहतर हैं. हम जो डर्टी था उसके जो ड्रेस था वो ओल्ड ड्रेस या अच्छा नहीं था, और जो क्लीन था वो बहुत स्मार्ट सूटेड बंदा था. उसके बाद उन्होंने जो डर्टी मैन के साथ थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, वो कॉन्फिडेंस में आ गए थे. लेकिन जो क्लीन मैन के साथ बैठे थे वो ये सोच रहे थे कि हमारा अच्छा नहीं होगा, कि ये बहुत वेल पर्सन है या वेल ड्रेसअप है, इसका इंटरव्यू अच्छा होगा. जब इंटरव्यू हुआ था तो जो डर्टी मैन के साथ बैठे थे उन्हीं का इंटरव्यू ज्यादा अच्छा हुआ था, क्योंकि उस वक्त उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा था. मैम आगे करते हैं. तो इसमें मिलर और रोज ने ये शो कराया था 1975 में, वो पीपल्स जिनका जिनमें ये बिलीव होता है कि उनके पास डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस यकीन के साथ उनका यकीन था कि उनके पास डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि उनको कोई एक्सपेरिमेंटर जो है बेशक वो उन पे एक्सपेरिमेंट करे तो वो इसके उलट ही होगा, कि ये कि उनके लो ये तब भी हो सकता है जब जब हमारे पास लो सेल्फ एस्टीम हो, मतलब हम दूसरों में से कम हैं या हम खुद को कम समझते हैं या नहीं समझते. लेकिन जिनके पास ज़्यादा ही लो सेल्फ एस्टीम होती है उनका ये यकीन होता है कि हम खुद ही बुरे हैं, हम कुछ बुरा नहीं करते लेकिन हम खुद ही बुरे हैं. मैम थैंक यू, बस इतना ही था. Are the reactions of other people admire us, flatter us, discount our confidence, listen attentively and agree with us, we tend to develop a positive self-image. जब हम देखते हैं कि लोग हमें admire कर रहे हैं, हमारे तरफ attentive हो रहे हैं, हमें attention दे रहे हैं, तो हमारा उसकी वजह से एक self-image जो है ना हमारा अपने बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि हमें अब लोग अटेंशन दे रहे हैं, हमें कोई ऐसी तो बात होगी जिसकी वजह से वी आर स्पीकिंग दैट मच अटेंशन. मैम फरत प्रेजेंट नहीं है. ठीक है बच्चे, वो फिर बाद में प्रेजेंट कर देगी.